गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 137 निकालिए ग्रामर बुक की, और सभी बच्चे एक एक करके ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। आज हम लोग पेज नंबर 137 जो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 है को की, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। When Koki was 12, she and her mother went to spend part of the year with Koki's maternal grandmother, who lived in a lonely old house near the river bed. Koki एक छोटी सी लड़की का नाम है। जब वो 12 साल की हुई तो वह और उसकी माँ कुछ महीने बिताने के लिए कोकी के नानी के यहाँ गई, ठीक है। कोकी अपनी माँ के साथ अपने नानी के यहाँ कुछ समय बिताने के लिए गई, जो कि एक पुराने घर में नदी के किनारे रहा करती थी कोकी की नानी। हर मदर वॉज बिजी ऑल डे कुकिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। उसकी माँ पूरे दिन बिजी रहती थी खाना पकाने में और कपड़े धोने में। वाई हर ग्रैंड मदर अराउंड बाउंसी लिटिल वुमन वुड सिट इन द सन री काउंटिंग स्टोरीज फ्रॉम हर ओन चाइल्डहुड। जबकि कोकी की नानी माँ एक गोल मटोल और छोटी सी महिला थी, छोटे कद की महिला थी, वो हमेशा सूरज के धूप में बैठ करके अपने बचपन की कहानियों को याद करती थी। कोकी वुड स्पेंड द मॉर्निंग्स हेल्पिंग हर मदर एंड द आफ्टरनून्स टॉकिंग टू हर ग्रैंड मदर, ठीक है। सुबह के समय में कोकी अपने नानी माँ की मदद करती थी और आफ्टरनून में यानी दोपहर में वो अपने दादी माँ से वो अपनी नानी माँ से बातें करती थी। टुवर्ड्स इवनिंग द ओल्ड लेडी वुड गो इनडोर्स एंड देन कोकी वुड बी ऑन हर ओन इन द लार्ज गार्डन। शाम के समय में क्या होता था, जो बूढ़ी औरत थी वो घर के अंदर रहती थी, एंड देन कोकी वुड बी ऑन हर ओन इन द लार्ज गार्डन, और कोकी जो है अपने बड़े से गार्डन में रहती थी जो कि उसके नानी माँ का था। द गार्डन हैड नॉट बीन लुक्ड आफ्टर टू वेल, गार्डन की अच्छे तरीके से देख रेख नहीं की गई थी। इट वॉज ओवर रन विथ सेमी वाइट मैरीगोल्ड्स नेस्टुरटियम्स टियम्स एंड रोजेस, ठीक है। वह गार्डन जो था जो नानी माँ का था उसकी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की गई थी, हर जगह घास फूस जंगल वगैरह उगे हुए थे, और उस गार्डन में गेंदा रोजेस गुलाब और कुछ फूल जो है उस गार्डन में खिले हुए थे। कोकी लाइक्ड इट दिस वे बिकॉज शी कुड वांडर अबाउट डिस्कवरिंग फ्लावर्स इमर्जिंग फ्रॉम टॉल ग्रास एंड थिसल्स। कोकी को यह काफ़ी पसंद था क्योंकि वह अपने बगीचे में इधर उधर भटकना पसंद करती थी, घूमना पसंद करती थी, और जो लंबे लंबे घासों में से जो फूल निकले हुए थे, ठीक है, उसको देख करके उसे काफ़ी अच्छा लगता था। अ वॉल वेंट स्लोपिंग डाउन टू द रिवर बेड, एक दीवार जो है वह बना हुआ था उस नदी के किनारे से। अ शैलो स्ट्रीम रैन अलोंग द मिडिल ऑफ दिस अदरवाइज ड्राई वाटर कोर्स, ठीक है। एक गहरा कह सकते हैं कि झरना जो है, एक छोटी सी नदी बह रही थी उसी
वॉल के अलोंग साइड. ड्यूरिंग द मॉनसूनस इट वॉज अ रशिंग टॉरेंट. जब मॉनसून आता था, मॉनसून मतलब रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम आता था तो वह नदी जो है वह ब्रुक पूरी तरह से भर जाता था. बट दीज डेज इट वॉज मर्मरिंग ब्रुक विद लिटिल सिल्वर फिश डार्टिंग अबाउट इन द वाटर. लेकिन इन दिनों झरना जो है मर्मरिंग साउंड करते हुए आगे बढ़ रही थी विद लिटिल सिल्वर फिश, और उसमें छोटी छोटी सिल्वर कलर की मछलियाँ जो है इधर उधर पानी में भटकती रहती थी. कोकी सेल्डम वेंट बियॉन्ड द गार्डन वॉल बिकॉज अक्रॉस द रिवर बेड वॉज द जंगल एंड एनिमल्स फ्रिक्वेंटली केम डाउन टू द वाटर टू ड्रिंक. ठीक है, कोकी कभी कभार उस गार्डन वॉल के पास जाती थी क्योंकि दूसरी तरफ नदी था और नदी के पहले जंगल हुआ करता था जहाँ पर खूंखार जानवर सब पानी पीने के लिए आते थे. द वाइल्ड बोर दैट वाज ऑफन सीन फ्राइटेंड हर. बोर मतलब होता है सुअर, जंगली सुअर. जंगली सुअर जो अक्सर वहाँ पानी पीने के लिए आता था, जब कोकी की नज़र उस जंगली सुअर पे पड़ती थी तो काफ़ी डर जाती थी, घबरा जाती थी. बट वंस शी सॉ अ डियर क्वाइट क्लोज मूविंग अबाउट विद सफल ग्रेस एंड डिग्निटी. लेकिन एक बार जब वो दीवार के सहारे बैठी हुई थी तो उसने एक सुंदर सा हिरण देखा. मूविंग अबाउट विद सप्लाई सफल ग्रेस एंड डिग्निटी. वो अपने सर को इधर उधर करके, मतलब सर उठा करके वो घूम रही थी, वो डिग्निटी के साथ घूम रही थी, इधर उधर भटक रही थी. इट वॉज अ चीतल आई स्पॉटेड डियर. यह एक चीतल था. चीतल को हम स्पॉटेड डियर भी कह सकते हैं, एक ऐसा हिरण जिसके शरीर पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं, दाग होते हैं. कोकी स्टेयर्ड एट द एनिमल इन फैसिनेशन. कोकी उस हिरण को देख करके इतना अट्रैक्ट हुई कि वो मंत्रमुग्ध होकर के उसको देखने लगी. द डियर मस्ट हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ हर गेज फॉर इट लुक्ड अप एंड स्टेयर्ड बैक एट कोकी. वह हिरण जो थी वह उसने जब कोकी को अपनी ओर देखते हुए पाया तो वो सावधान हो गया हिरण. एंड स्टेयर्ड बैक एट कोकी, और वो भी कोकी की ओर देखने लगा वह हिरण. व्हाट द डियर सॉ वाज अ स्मॉल डार्क फेस हाफ हिडन बाय अ लॉट ऑफ लूज ब्लैक हेयर एंड टू लार्ज ब्राउन आईज शाइनिंग विद वंडर. ठीक है, हिरण ने जो देखा था वो एक धुंधला सा चेहरा था, हाफ हिडन बाय अ लॉट ऑफ लूज ब्लैक हेयर. उसका आधा फेस जो था वो बालों से ढका हुआ था. एंड टू लार्ज ब्राउन आईज, और दो बड़ी बड़ी ब्राउन आँखें जो थी, आइज शाइनिंग विद वंडर, और आश्चर्य के कारण वो आँखें चमक रही थी इस तरह से. द डियर एंड द गर्ल स्टेयर्ड एट ईच अदर फॉर टू और थ्री मिनट्स एंड देन समवेयर अ ट्विग स्नैप्ड एंड द स्टार्टल्ड डियर वेंट बाउंडिंग अवे अक्रॉस द स्ट्रीम. ठीक है, दोनों हिरन ने और उस छोटी सी बच्ची कोकी ने एक दूसरे को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से नज़रें गड़ा करके देखा दो तीन मिनट तक. लेकिन कुछ ट्वीट और पत्तों की खड़खड़ाहट होने के कारण उसी समय पत्ते खड़खड़ाने लगे और वो हिरन बाउंस करते हुए, उछलते कूदते हुए वो जंगल में चली गई. दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेट इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड.
रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये कहानी लिखी गई थी। ठीक है, तो आइए टिक दी करेक्ट ऑप्शंस। अब कुछ इसी कहानी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे पूरा किया जाए। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, देयर आर थ्री ऑप्शंस गिवन हियर, यू नीड टू चूज द करेक्ट वन। कोकी'स ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द सी, फ्रॉम द लेक, फ्रॉम द जंगल, फ्रॉम द जंगल। ठीक है, एक
was enchanted by the flowers near the stream. White boar spotted deer. उसके बाद है राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपको बताना है. Next, Cookie's grandmother would tell Cookie's mother stories from her own childhood. Once Cookie saw a reindeer in the jungle. एक बार कोकी ने एक reindeer को जंगल में देखा. It was not a reindeer. False. Cookie did not like the garden because it was not looked after well. Cookie को garden पसंद नहीं था क्योंकि it was not looked after well. False. Next, broke into two, half, ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक्स एंड हैव अ गुड डे.